हेलो गाइस, तो क्या हालचाल है आपके? गाइस वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए इन्हीं पास में ही घर के, क्योंकि गाइस मैं देहरादून और चक्रा तक घूम घूम कर पहाड़ देख कर मेरे सिर में दर्द होने लगा है। वैसे मेरा प्रोग्राम क्या था कि आज हम जाएंगे ऋषिकेश। चल झूठा। तो ऋषिकेश में जा रहे हैं क्योंकि अभी पीछे देहरादून गए थे, चक्राता गए थे, मसूरी गए थे, तो वहाँ पर सारा पहाड़ वहाड़ देख के मेरा माइंड थोड़ा खराब हो चुका है। अब जो मेरा मन है एक शांति सी जगह जाने का, आराम से टाइम स्पेंड करने का और आराम से मन को शांत करने का। फिर हम अगले ब्लॉग में आपको लेके चलेंगे ये अच्छी सी जगह। तो चलिए करते हैं मस्ती, आराम से बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, मन को शांत करेंगे और मजे लेंगे आराम से। तो चलिए चलते हैं। फिलहाल हम आ चुके हैं अशोक वाटिका में। यहाँ पर घूमने की प्यारी प्यारी मूर्ति है जिसको आप देख सकते हो, आराम से इनका एंजॉय कर सकते हो। अभी मैं आपको एक बहुत प्यारी मूर्ति दिखाने वाला हूँ। मूर्ति नहीं, असली का डायनासोर बोल सकते हैं उसको। चल बोजड़ी के। तो सबसे पहले आप देखिए डायनासोर जो अभी स्टैचू का रखा है हमने फिलहाल वीडियो के लिए। तो सबसे पहले देखिए डायनासोर। फाइनली मैंने आपको दिखाया गांधी जी के तीन मंदिर। आज तक आपने बस ये कहावत सुनी होगी कि गांधी जी के तीन मंदिर। आज देख लीजिए फाइनली गांधी जी के तीन मंदिर। और मैं आपको दिखाता हूँ बहुत अच्छी अच्छी जगह जो यहाँ पर है देखने के लिए। तो ये चलते हैं आगे। तो गाइस अभी हमने देखा है डायनासोर और गांधी जी के मंदिर। अभी मैं आपको एक बहुत प्यारी सी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर सच में यार दिल को सुकून मिलता है। हाथी मेरा साथी, आपने हाथी मेरा साथी मूवी तो देखी होगी, ये वही हाथी है। और गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ हाथी के बारे में। आप इसको जितना प्यार से रखोगे, आप इसकी जितनी प्यार से केयर करोगे, ये आपको उसका दुगना रिवर्ट करके देगा। और गाइस ये बहुत ही प्यारा जानवर होता है, अनबोलता धन बोलते हैं इसको। और आप देख सकते हो ये कितना मासूम और कितना प्यारा है गाइस। हाथी मेरा साथी। ये हो श्री राम जी की। गाइस अभी इस गेट से महाराणा वीर प्रताप सिंह की एंट्री होने वाली है। आप बस 2 सेकंड का वेट करिए और यहाँ पर राजा की भी एंट्री होने वाली है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी देख रहे हो अपने भाई का जिगरा। ये है फैंसी मगरमच्छ। अब सबसे पहले मैं अपने किसान भाई की मदद करूंगा क्योंकि मैं भी किसान हूँ। गाइस अब मैं दिखाता हूँ आपको सबसे बड़ा जानवर जिसका नाम है जिराफ। तो आइए देखते हैं सबसे बड़ा जानवर जिराफ। ये देखिए गाइस, कौन है, कहाँ से आते हैं? तो गाइस अब थोड़ा थक चुके हैं, अब आराम से रिलैक्स करते हैं और थोड़ा बीट के साथ म्यूजिक सुनते हैं और आराम से बैठते हैं। और आइए सुनते हैं आराम से म्यूजिक। म्यूजिक गाइस
तो अब मैं दिखाता हूँ आपको भगवान शिव जी की मूर्ति जो बहुत ही प्यारी है। सबसे पहले मैं तो गाइस हम यहाँ पर वाटिका में बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर लिया हमने और यहाँ पर जो भी था दिखाने के लिए हमने आपको दिखा दिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर पास में बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। अब हम वहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जितना था हमने आपको सब कुछ दिखा दिया है। और गाइस ये बहुत ही प्यारी जगह है, आराम से आप आइए यहाँ पर, रिलैक्स करिए मूड को और चिल करिए। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अब चलते हैं दूसरी जगह, चलिए। आप इनका प्यार देखिए सबसे पहले। तो गाइस अब हमने यहाँ पर घूम लिया है, ये बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत ही ज्यादा पीसफुल जगह है, आराम से आप आइए यहाँ पर, एंजॉय करिए, रिलैक्स करिए माइंड को। अब चलते हैं दूसरी जगह पर, यही पास में ही है, तो चलिए वहाँ पर भी बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो चलते हैं सबसे पहले वहाँ पर। तो भाइयों हमारे पास एक जलेबी का पीस है, देखते हैं हम बंदर जी को दे पाते हैं या नहीं, हमें डर तो लग रहा है। मार चोक दिए भैया जी आप तो। तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं नाव की राइड करने के लिए, अगर यहाँ पर नाव की राइड मिलेगी। एक महीना पहले यहाँ पर मेरे फैमिली वाले आए थे, वो बोल रहे थे कि वहाँ पर नाव की राइड भी करने को मिलती है और वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है जब नाव में बैठ के घूमते हैं इधर उधर। तब देखते हैं कि हमें मिलेगी या नहीं। नाव तो सामने खड़ी है, आप देख सकते हो उधर वहाँ पर, ये सामने माता का मंदिर है। तो हम चलते हैं नाव की राइड पर, अब ये भागेगी 300 की स्पीड पर, अब ये उड़ जाएगी हवा में उड़ने वाली है। गाइस अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हो तो आप इसको बैठ के आराम से घूम सकते हो, लड़कों के मतलब की तो ये नहीं है, अगर आप आराम से आइए अपनी फैमिली पर आराम से बैठे ऐसे घूम सकते हो, घूम रहे हैं वहाँ पर। और गाइस यहाँ पर दो नदी का संगम है। तो गाइस अब हम वापस घूम चुके हैं क्योंकि दो नाव जा रही है, इनसे हमें पहले वहाँ पर पहुँचना है, अभी हम देखते हैं इनसे पहले हम पहुँच जाएंगे नहीं। अभी मैं नाव चलाता हूँ। तो भैया अभी हमने वाटिका भी घूम लिया है और बोट की भी सवारी कर ली है, तो अभी मम्मी का फोन आया है कि वहाँ पर हनुमान जी का और श्री गणेश जी का मंदिर है, तो वहाँ पर जरूर दर्शन करके आने हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर कैसी मूर्ति है हनुमान जी की और गणेश जी की, तो आपको भी दिखाएंगे हम कि कैसी मूर्ति है यहाँ पर भगवान जी की। तो आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसी मूर्ति है भगवान जी की। तो आइए मेरे साथ।
तो भाइयों अब गाड़ी में पंचर हो गया है और यहाँ पर पीछे एक पंचर वाला है, तो हमारी किस्मत अच्छी है कि पास में हुआ है पंचर वाले की गाड़ी के। तो हम चलते हैं सबसे पहले इसमें पंचर लगवाते हैं। तो चलिए कुछ ना कुछ हो ही जाता है हमारे साथ भी। आपको भी खाने में मोमोज खाइए मगर गरम बहुत है। बाहर जाओ ऐसे मोमोज खाओ अच्छी लगती है। ठीक है भाइयों फाइनली हमारे चिली पोटैटो आ गए हैं, देखते हैं ट्राई करें कैसे लग रहे हैं। आगे अच्छे लग रहे हैं भाई, ट्राई करके देख आ जाएगा बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये वाला यहाँ पर रख दो ना। कौन आता है वैसे इनको उठाने के लिए? जो भी कोई आता है ना यात्री, यहाँ रख देता है दुकान पे, यहाँ रख देता है ऐसे रख देता है। और जो अब आगे तो अभी ले जाएगा। ठीक है बंदर की पहले ना कुछ नहीं करना, ये वैसे देते हैं सामान खाने का। तो हमने यहाँ पर रख दिए हैं कुछ कपड़े, अब देखते हैं। अंकल जी बोल रहे हैं कि मैं भी यहीं हूँ और वो लेकर चले जाएंगे आराम से, आप टेंशन मत लो। अब हम चलते हैं, चलिए। तो भाइयों अब हमने यहाँ पर घूम लिया है, इंजॉय कर लिया है, रिलैक्स फील कर लिया है और हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं, श्री गणेश जी के दर्शन कर लिए हैं। और गाइस मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी जगह आते हो तो थोड़ा सा जो भी गरीब यहाँ पर होते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये सब कुछ दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास एक दो कपड़े जो भी थे मैं लेके आया था कि मुझे अगर कोई मिलेगा तो मैं उनको दे दूंगा। सर्दी का मौसम हो रहा है तो आप भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें दे सकते हो। छोटी चीज़ें देने में कोई ऐसे नहीं है कि आप दिखावा करें, ऐसा मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ। ये बस मैंने ऐसे ही मेरे मन था कि दे दिया। इसको आप देखोगे अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ हमें भी देना चाहिए तो आप दे सकते हो, ये दिखावा बिल्कुल नहीं है। तो गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो अब चलते हैं गाइस घर, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, खुश रहो यार, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। बाय बाय।